आज का एक तोहफा है जी। जो शख्स सोते हुए, ये बाएं तरफ दिल है जी, दिल पे हाथ रख के सिर्फ 11 बार पढ़ेगा या बायसो या नूरो, ठीक है, बस वुजू है या नहीं जी, इसकी शर्त नहीं, सिर्फ 11 बार, या बायसो या नूरो, सिर्फ 11 बार पढ़ेगा। सबसे पहला फायदा तो यह है कि यह दिल की बीमारियों से बचा रहेगा, ठीक है, हार्ट अटैक, एंजाइना, और अगर इसको दिल की किसी भी तकलीफ डायग्नोज तशखीस हुई है जी, हैरतअंगेज तौर पे उसको शिफायाबी मिलेगी, ठीक है। दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह इसके दिल को रोशन करेगा, कल्ब को मुनव्वर करेगा, बुजुर्ग हस्तियों की जियारतें होंगी, और आखिरी वक्त में इस दिल को कलमा नसीब होगा जी। और जो टेंशन में मुब्तला लोग हैं, हर वक्त दिल घबराता है और परेशानी रहती है, उनकी टेंशन खत्म होती है, एंग्जाइटी का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है, अच्छा बेसकूनी का इलाज है, जिनको पुरसकून नींद नहीं आती जी, जी, जो परेशान रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, और आसाबी खिंचाव, हर वक्त कोई चीज दिमाग में अटक जाए, दिल बोझल रहे, सिर्फ 11 बार या बायसो या नूरो, ठीक है, ये सोते वक्त जब भी सोएं इसको पढ़ें, ये रमजान और गैर रमजान जब भी इसको पढ़ें, ये आज का तोहफा है। सुभान अल्लाह। हकीम साहब, आपने जिक्र किया नींद का, ये उनके लिए भी उसी तरह इंशाल्लाह ताला कारामत रहेगा। जो लोग कहते हैं कि हमें नींद आती है लेकिन गहरी नहीं आती, लगता है कि जब जागे हुए हैं और 6-7 घंटे गुजर जाते हैं, यानी जिस्म सो रहा है दिमाग जाग रहा है जी, उनके लिए भी ये बहुत कमाल चीज है, ठीक है। और एक उसको कुछ अर्सा अगर किया जाए, मैंने हैरत अंगेज तौर पर कितने डिप्रेशन में, डीप टेंशन में डूबे हुए लोग निकले हैं इन दो मुबारक अल्लाह के नामों की बरकत से, या बायसो या नूर, या बायसो या नूर, इंशाल्लाह ताला। हकीम साहब, जिस तरह से रमज़ान का